बिग बॉस सीजन 14 के चलते मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ अपडेट्स फ्रॉम द बिग बॉस हाउस। आइए बताती हूँ आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 हो गया है शुरू और उसी के साथ चलते मैं लाई हूँ अपडेट्स आपको डे 3 से। जी डे 3 बहुत ही खास था क्योंकि इस बार डे 3 पर हुआ फर्स्ट टास्क जो हुआ उसमें हमने ये देखा कि गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला में हो गई लड़ाई। जी दोस्तों इन दोनों में टास्क शुरू होने से पहले ही हो गई लड़ाई। अब ये टास्क आखिर था क्या? इस टास्क का नाम था ज्वेल थी। जी दोस्तों ज्वेल यानी कि जेवर की चोरी करनी थी। अब चोर कौन थे? ये जो बिग बॉस का फर्स्ट टास्क था उसमें बिग बॉस ने डिवाइड कर दिया था हमारी सीनियर्स को भी और हमारे कंटेस्टेंट्स को भी। तो कंटेस्टेंट्स डिवाइड हुए थे गर्ल्स और बॉयज के तौर पे, यानी गर्ल्स बनी चोरनी और उनका सरदार था सिद्धार्थ शुक्ला। जी दोस्तों सिद्धार्थ शुक्ला थे उनके सरदार और तूफानी सीनियर्स भी बट गए थे। तो जो महारानियां थी वो थी हमारी गौहर खान और हीना खान और उन दोनों को इम्प्रेस करना था हम सारे बॉयज को। तो बॉयज ने आखिर कैसे ही किया इम्प्रेस गौहर खान और हीना खान? अब शहजाद ने तो गौहर खान को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया, फिर उसके बाद वो हीना खान के पास गए तो हीना खान ने ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जेवर उनको दे दिए पहले ही। फिर उसके बाद एजाज खान गौहर के जो जेवर है उनकी रक्षा कर रहे थे और अभिनव शुक्ला भी डट कर रहे थे उनके जेवरों की रक्षा। अब ये देखने मिला कि निकी तंबोली जैस्मिन भसीन ये दोनों बार बार झगड़े कर रहे थे और छीना पटी कर रहे थे। बिग बॉस ने क्लियरली कहा था कि छीनना नहीं है। ये हो जाने के बाद हो गई लड़ाई गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच, क्योंकि बजर बजते ही गौहर बैठी नहीं थी बट वो रूल्स पढ़ रही थी। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान में हो गई लड़ाई। अब इस लड़ाई के बाद जो दूसरी लड़ाई हुई वो हुई फ्रेशर और तूफानी सीनियर के बीच। तो तूफानी सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला और फ्रेशर एजाज खान के बीच हो गई लड़ाई टास्क के दौरान ही। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला और एजाज खान ने जो ललकारा है एक दूसरे के अगेंस्ट वो देखने लायक था, क्योंकि एजाज खान भी पीछे नहीं हट रहे थे, वहीं पर सिद्धार्थ शुक्ला जो हमारे एंग्री यंग मैन है वो भी पीछे नहीं हट रहे थे। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं एक मेन क्यूट सा मोमेंट दिखा था पवित्र पूनिया और राहुल वैद्य के बीच। जी दोस्तों उनके प्यार के चर्चे हो रहे हैं इनसाइड द बिग बॉस हाउस, पर ये भी देखने मिला कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे की छेड़खानियां कर रहे थे। वहीं पर पवित्र पूनिया ने आकर जब राहुल वैद्य से कहा कि आपको और भी ज्यादा काम ले लेने चाहिए क्योंकि सिर्फ बाथरूम क्लीनिंग एक ही टाइम करते हो आप, तो उस पर राहुल वैद्य ने कहा मुझे और कुछ नहीं आता, क्या आप सिखाएंगी? तो कहती है कि आप किचन में आके मदद कर लीजिए, मैं आपको रोटियां बनाना सिखाती हूँ। तो राहुल वैद्य कहते हैं वेरी फ्लर्टिंगली कि आप जहां कहेंगी वहां मैं आकर खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। तो फाइनली पवित्र पूनिया और राहुल वैद्य के बीच एक फ्रेंडशिप हैंडशेक हुआ था। जी दोस्तों और उसी के बाद नेक्स्ट अपडेट मैं आपको ये दे दूं बिग बॉस हाउस से कि उसके बाद हो गई फिर से लड़ाइयां। जी दोस्तों लड़ाइयां तो हो ही रही है बिग बॉस हाउस में, बट इस टाइम ये देखने मिला कि ज्वेल थी के जो टास्क है वो जीतने के लिए सब एक दूसरे को कर रहे थे कन्विंस। जहां निशांत कर रहे थे जैस्मिन को कन्विंस, वहां जैस्मिन हो गई कंफ्यूज और जाके मिली अपने सरदार, जी हाँ दोस्तों सरदार यानी सिद्धार्थ शुक्ला से वो जाकर के मिली और उनके मिलने के बाद उन्होंने ये पूछा कि क्या मुझे मेरे जेवर दे देने चाहिए उनको। तो सिद्धार्थ शुक्ला ने उनको बहुत करारा जवाब दिया और कहा क्या तुम यहाँ पे सबको जिताने के लिए आई हो या खुद के लिए जीतने आई हो? तो ऐसी एक बातचीत हुई सिद्धार्थ शुक्ला और जैस्मिन भसीन के बीच। फिर नेक्स्ट अपडेट में आपको ये दे दूं कि बिग बॉस हाउस में थोड़ा सा प्यार का माहौल बढ़ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने डायरेक्टली प्रपोजल दे दिया निकी तंबोली को। जी दोस्तों निकी तंबोली को कहा सिद्धार्थ शुक्ला ने कि मैं सिर्फ इसी लड़की के इंतजार में था, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी वैसी ही है निकी तंबोली। तो इस पर जैस्मिन भसीन और गौहर खान ने खींची निकी तंबोली की टांग और उनको पूछा क्या तुम शादी करना चाहती हो सिद्धार्थ शुक्ला से? तो कहते हाँ क्यों नहीं। तो क्या सच्ची में ये सब अभी कहा जाके पहुंचने वाला, क्या क्या होने वाला है बिग बॉस हाउस में, हम आपको अपडेट्स लाते रहेंगे।
पर आपका क्या कुछ है कहना हमें जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। शुरू का जवाब साइनिंग ऑफ।